अच्छा खाना, लग्जरी होटल रूम में रुकना, फ्लाइट में आना जाना, सब कुछ फ्री कैसे पॉसिबल है? एक वीडियो एडिटर होने से तो स्टूडियो में ही बैठे बैठे काम करना होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब कैसे पॉसिबल है, आइए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है यहाँ से। मुझे दिया जाता है रूम, एक बढ़िया सा रूम। मैं रूम में चेक इन करता हूँ और ये सामने सब कुछ रूम मैं पहले दिखा देता हूँ। टीवी है, फ्रिज है, कबर्ड है यहाँ पे, और ये मेरा सेटअप मैंने रेडी किया हुआ है। मैं यूज़ करता हूँ ये मैकबुक प्रो M2 वर्जन, और ये कार्ड कॉपी हो रहा है जो पिछले जो कल वाला शॉट है और आज वाला शॉट जितना जो शूट किया अभी तक कॉपी हो रहा है। ये कार्ड है, SSD है, पीछे सारा वायर लगा हुआ है। ये मेरा JBL का स्पीकर है और ये मेरा सस्ता सा कीबोर्ड है HP का। इसको रखने के लिए जगह नहीं था तो मैंने ड्रॉर खोल के वैसे करके उसको सेटअप किया हुआ है, क्योंकि हर जगह पे मेरा सेटअप कुछ अलग अलग तरह का होता है, क्योंकि टेबल वगैरह कुछ मिलता नहीं है ना, तो हर जगह पे मेरा सेटअप वैसा होता है। उससे पहले मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये कवर्ड है। कवर्ड का मेरे को एक सिस्टम बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। ऑन, ये ऑफ, ये ऑन, ये ऑफ, ये ऑन, ये ऑफ, ये ऑन। एक्चुअली बाहर हो रही है वेडिंग, और वेडिंग के जितने भी सारे क्लिप्स वगैरह है उन सब को साथ में लेके मुझे 2-3 मिनट का एक टीज़र वीडियो एडिट करना होता है, जो कि एट द एंड ऑफ द वेडिंग ब्राइड एंड ग्रूम और साथ में गेस्ट सारे मिलके वो वीडियो एंजॉय करते हैं। जैसा कि ये काम एक दिन में करके देना होता है, इसलिए उसको सेम डे एडिट और इंस्टेंट एडिट बोलते हैं, और ये वाला काम मैं वेडलॉग फोटोग्राफी के टीम के साथ कर रहा हूँ। सबसे पहले गाना सिलेक्ट करना होता है, फिर अच्छे अच्छे शॉट्स निकालने होते हैं, फिर उस सारे शॉट्स को मिला के गाने के साथ बीटिंग में मिला के उसको एडिट करना होता है। इसी बीच मुझे थाईलैंड वाला किस्सा भी याद है। थाईलैंड जो कि मैं गया था 2014 में, जो कि मेरा वहाँ पे पहला सेम डे एडिट था। HMB स्टूडियो टीम के साथ मैं गया था थाईलैंड, वहाँ पे हमने काफ़ी सारी मस्ती किए, काम भी किए, और हमारा काम भी बहुत अच्छा काम हुआ वहाँ पे। और ऐसे ही काम करते करते मेरे रूम में आ गया ये, इसको बिना खोले मैं रहूँ कैसे। सोचा कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो पहले मैंने ये खाया। एक्चुअली ऐसे वेडिंग्स को फुलफिल करने में और उसको अच्छा बनाने में पूरे टीम का बहुत ही ज़्यादा एफर्ट और डेडिकेशन जुड़ा हुआ होता है। सारे सब कुछ मिला के, पूरे टीम का एफर्ट मिला के एक अच्छा आउटपुट निकलता है। आज मोर बहुत भल लगी आज प्रथम बार RS2 चलाई आसो। आमार लगत आसे एडिटर नयनदा, लगत हेरी देवजित दा, करेक्टर ओनर। कभी कभी ऐश किंग, सनम जैसे सिंगर्स को लाइव देखने का भी मौका मिल जाता है। मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा मस्ती कर लेता हूँ, और इन लोग को फ्री टाइम मिलता है तो
अरे कहाँ खो गए, काम करो। और ऐसे ही कुछ घंटे काम करने के बाद फाइनली मैं अपना वीडियो रेडी कर चुका हूँ, मेरा एडिट ख़त्म हो चुका है। और ये मैंने पेन ड्राइव में कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं एक बार चेक ज़रूर करता हूँ पेन ड्राइव में सब ठीक है कि नहीं। और उसके बाद मैं पेन ड्राइव यहाँ से निकाल के उसको मैं डायरेक्टली लेके जाता हूँ एलईडी वाले के पास, क्योंकि उस टाइम थोड़ा भागादौड़ी होता है कि बरमाला ख़त्म होते ही हम लोग को दिखाना होता है अभी तक का जितना भी एडिट किया। और ये रहे कुछ कुछ झलके अलग अलग जगहों पे सेम डे एडिट प्ले होते हुए।